टीवी शो नागिन के फैंस में नई सीरीज नागिन 4 को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। ऑडियंस ये काफी टाइम से जानना चाह रही है कि आखिर नागिन 4 की कहानी क्या होगी। हालांकि शो को ऑन एयर होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन शो के प्रीमियर से पहले ही लोग ये जानने को बेसब्र हैं कि आखिर शो की कहानी कैसे शुरू होगी और किस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें शो में देखने को मिलेंगे। वेल, अब तक शो के कई प्रोमोस सामने आए हैं और इन प्रोमोस के जरिए शो के बारे में काफी कुछ तो रिवील हुआ है, लेकिन शो का असली सस्पेंस क्या होगा ये अब तक सामने नहीं आया है। तो चलिए आज अपने इस रिपोर्ट में हम आपको शो के पहले पहले एपिसोड का एक छोटा सा प्रीव्यू देते हैं नए प्रोमो के जरिए। जी हाँ, दरअसल नागिन 4 का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें नागिन 4 की कहानी का एक बड़ा मेजर हिंट मिला है। तो आखिर क्या देखने वाले हैं बाप नागिन 4 में, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। वेल, नागिन 4 के नए प्रोमो में शो की कहानी का प्लॉट काफी कुछ सामने आया है। हालांकि निया शर्मा का किरदार क्या होगा इस पर फिलहाल सस्पेंस ही है। तो अब क्या कुछ देखेंगे आप, जरा गौर से सुनिए। वेल, इस नए प्रोमो के मुताबिक ये कहानी भी प्यार और बदले की कहानी है। शो के इस प्रोमो की शुरुआत एक शादी से होती है। दरअसल शो में सयंतनी घोष एक इच्छाधारी नागिन है, लेकिन उन्हें एक इंसान से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी कर लेती है। दोनों को एक बेटी होती है, लेकिन जब वो अपने गांव जाते हैं तो कुछ लोग उन्हें और उनके परिवार को मार देते हैं। अब कौन है वो लोग और किस वजह से उन्हें मार देते हैं, इसका खुलासा शो में होगा। पर प्रोमो के मुताबिक सयंतनी घोष चकमा देकर वहां से निकल जाती हैं, लेकिन ज्यादा आगे नहीं जा पाती वो और खाई में नीचे गिर जाती हैं। इसी दौरान बेटी सयंतनी की आंखों में दुश्मनी की परछाई देख लेती है और फिर यहीं से शुरू होती है इंतकाम की कहानी। वल सयंतनी बच्ची को हाथों में उठाकर कहती है कि ये बच्ची इसलिए जन्मी है कि वो अपनी माँ का बदला लेगी। इस बच्ची का नाम कोई और नहीं बल्कि नयनतारा है। अब दूसरी तरफ विजेंद्र और निया शर्मा की भी इस प्रोमो में एंट्री दिखाई गई है। आपको बता दें कि 3 मिनट और 14 सेकंड के इस प्रोमो से साफ है कि इस बार नागिन अपना बदला और भी खतरनाक तरीके से लेगी। अब साफ है कि शो में निया और जैस्मिन का कनेक्शन तो एक दूसरे से जुड़ा होगा, लेकिन इनका कनेक्शन किस तरह जुड़ा होगा यही नागिन 4 का मेजर ट्विस्ट रहेगा। तो अब इनके रिश्ते के तार कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं ये जानने के लिए हमें फिलहाल 14 दिसंबर का इंतजार करना होगा, जब ये शो ऑन एयर हो। फिलहाल आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि नागिन 4 को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं।